spectacular. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिकेत और हाउस एट में आपका स्वागत है। आज स्टार्क ऑस्ट्रेलिया को सीरीज नहीं जिता पाए, लेकिन स्टार्क की वाइफ आज बनी प्लेयर ऑफ द सीरीज, यानी वर्ल्ड कप अपने वुमेन्स टूर्नामेंट की पूरी प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है वो पूरे वर्ल्ड कप की, क्योंकि आज जो वुमेन्स टीम है ऑस्ट्रेलिया की वो वर्ल्ड कप जीत गई है, इंग्लैंड को हराया फाइनल में। लेकिन आज था फाइनल एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास था कि वो सीरीज जीत सकती है और इंडिया के पास था कि वो सीरीज ड्रॉ कर सकती है, लेकिन इंडियन सीरीज ड्रॉ की। एक तरीके से सबको पता ही है, बारिश आ गई वरना इंडिया ही सीरीज जीतनी थी। तो आज फिर वही हालत ऑस्ट्रेलिया की। आज स्टार्ट इतना अच्छा मिला ऑस्ट्रेलिया को कि लग रहा था कि यार 200 रन बनाएगी, लेकिन वही कमी, वापस एक प्लेयर आउट हुआ, दूसरा प्लेयर वापस स्वीप मारा फिर आउट हुआ, और मैकमांडर आते ही स्वीप मारने लग गए। कृणाल पांड्या को 2 बॉल में 2 विकेट मिले आज। आज कृणाल पांड्या भी प्लेयर ऑफ द मैच रहे, तो कृणाल पांड्या ने भी यही कहा है कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि पहले मैच में काफ़ी पिटाई हुई उनकी, दूसरे मैच में अच्छी बॉलिंग की, तीसरे मैच में फिर अच्छी बॉलिंग की, तो अंत भला तो सब भला, सीधी सी बात है। और आज का मैच अगर जिसने देखा हो, मैंने बिल्कुल ढंग से देखा था, तो एक चीज़ गौर की थी मैंने, जो किसने नहीं गौर की मैं श्योर हूँ। आज मेरे को पूरे ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया का एक फैन दिखा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सिडनी और मेलबोर्न ग्राउंड है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं बाहर खेल रहे हैं, फॉरन में खेल रहे हैं। आज इतना तगड़ा सपोर्ट था, 60,000 लोग आ सकते थे वहाँ पे, और कम से कम 55,000 से 57,000 लोग होंगे इंडिया के। तो आज का ये माहौल था, तो इंडिया को तो लगता ही नहीं है कि वो बाहर खेल रही गई। आज का मैच था, आज के मैच में अच्छी साझेदारी की, उसके चलते मैक्सवेल वापस वही, हर बॉल पे घुमाए जा रहे हैं, हर बॉल पे घुमाए जा रहे हैं, वही इनकी आदत अभी तक गई नहीं। तो उसके चलते 164 रन बनाए वापस कुल्टर नाइन ने, लास्ट में 7 गेंद में 13 रन मारे, तब कहीं जाके एक पार्टनरशिप लगी लास्ट में स्टोनिस और कुल्टर नाइल के बीच में, तब जाके 164 रन बने, जिसमें आज बॉलिंग, आज बुमराह थोड़े से कह सकते हैं उनके स्टेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए, क्योंकि 38 रन वो कभी देते नहीं है, 38 रन उन्होंने दिए। और कृणाल पांड्या 36 रन दे के 4 विकेट लेके गए, और वापस से कुलदीप यादव ने आज हमेशा ही है यार, कुलदीप यादव हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, 1 विकेट लिया उन्होंने कुलदीप यादव ने 19 रन दे के। तो ये तो था ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग का। अब चलते हैं सेकेंड इनिंग की तरफ। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, मैच हुआ, स्टार्टिंग इंडियन संभल के की, जिसमें अच्छा खेली वापस धवन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी एक सीजन में, एक ईयर में विराट कोहली के 641 रन थे T20 में, और धवन सबसे ज़्यादा हाई स्कोर बन गया पूरे वर्ल्ड में, 648 प्लस रन बना लिया उन्होंने, तो सबसे ज़्यादा कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन हो गए हैं। धवन तो जैसा कि हम खाई था कि फॉरन के प्लेयर हैं तो वहाँ तो वो चलेंगे। रोहित शर्मा आज चल नहीं पाए, और कोहली की क्या बात करें, आज कोहली ने इतनी अच्छी इनिंग खेली हमेशा की तरह, 61 रन बनाए वापस। कार्तिक ने नीचे से साथ दिया, 22 रन बनाए। केएल राहुल चल नहीं रहे हैं बिल्कुल, केएल राहुल अब देखो आगे उनको चांस मिलता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। और ऋषभ पंत वही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हो गए। तो इस जो पूरी सीरीज थी, इससे हमें पॉजिटिव पॉइंट क्या दिखे, धवन आपके मतलब पूरे तैयार, फॉरेन प्लेयर फॉरेन पिचेस पे खेलने के लिए पूरे तैयार, तो इंडिया की पूरी जो रोहित शर्मा और धवन वो बिल्कुल सेट हैं। तो अब ये देखना होगा कि वनडे में क्या मनीष पांडे को चांस मिलेगा, केएल राहुल बाहर बैठेंगे, क्योंकि मनीष पांडे भी एक मैच खेले हैं, चाहे वो उसमें चले नहीं हो लेकिन उनको भी चांस मिले नहीं है, तो क्या मनीष पांडे को चांस मिलेगा, और ऋषभ पंत अपनी इनिंग सुधारेंगे या नहीं, तो वो देखना होगा। तो इस सीरीज से यही पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं कुछ, तो इंडिया ने जो सीरीज 1-1 की बराबरी पर ख़त्म की, तो अब टेस्ट मैच आने वाले हैं, टेस्ट मैच में देखना होगा कैसा परफॉर्म करती है इंडिया। आई एम वेरी एक्साइटेड, और आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरे को ये बताओ कि ये जो सीरीज़ हुई है, इससे हमें पॉजिटिव पॉइंट क्या मिले हैं, प्लीज़ कमेंट करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और प्लीज़ यार जल्दी जल्दी कर दो यार, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और मैं एक नया सेगमेंट भी आने वाला है फिटनेस पे, वो 10 से 11 11 दिसंबर के बाद से शायद चालू हो जाएगा, तो वहाँ से मैं वीडियो डालूंगा। तो जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल। और आज के लिए इतना ही, स्टे फिट एंड स्टे ट्यून विद हाउस दैट। इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहाँ जाके इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून विद हाउस एक्ट एंड स्टे फिट।